हेलो हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा दिन है हुमायूं में, तीसरा दिन बल्कि तीसरा दिन है हमारा हुमायूं में गांव में। तो गांव में हम आए हुए हैं तो मैडम भी जो है ना एंजॉय कर रही है। आपको पता है अलियाबाद में बेचारी अंदर किचन में बंद थी ना, रफान के साथ किचन में बंद थी। इनको क्या पता बाहर के जो है दुनिया के टेंशन से आज़ाद होते हैं किचन में अपने बच्चे के साथ। हम दफ्तर के मसले, बाहर के मसले, अंदर के मसले, एंड में रात को आके बीवी से डांट खाने के मसले। चलो वो एक अलग टॉपिक है नाज़रीन। तो यहाँ ये है कि हम इधर एंजॉय कर रहे हैं गांव के उसमें टेस्ट के अंदर। अभी यहाँ गाय है, गाय के पास जो है ना ये हम आए हैं। ये अभी ये रूफान भी एंजॉय कर रहा है। तो गांव का जो है ना टेस्ट आपको नज़र आएगा। तो इसमें ये पीछे हमारे चिकन भी नज़र आएंगे, ये मुर्गियाँ हैं और वो खाद है। और ये खाद जो है ना दरख्तों को दिया जाता है, ये खेत के जी। नाज़रीन मैडम जो है ना रूफान को गाय के करीब लेके जाना चाहती है। बोश 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 अली अली। तो नाज़रीन वो गाय जो हमसे डर रही है, हम गाय से डर रहे हैं, ये दोनों काम इस टाइम चल रहे हैं। तो धूप निकली है, अच्छी धूप निकली है, इस टाइम हम गांव में हैं। तो जी मैडम बताएं नाज़रीन को हुंजा के गांव के बारे में, वादी के गांव और पंजाब के गांव में क्या फ़र्क है, तो थोड़ा सा वो बता दें। हाँ बताएं जी, जाहिर सी बात है पंजाब के गांव जो है सरसब्ज होते हैं सर्दियों में भी, और हमारे पहाड़ी इलाकों के गाँव का ये हाल होता है। नाज़रीन देखें पहाड़ी इलाकों में ये हाल होता है, ये एक दरख्त देखो लगता ऐसा है जैसे कि ये सूखा हुआ है, लेकिन नहीं सूखा है बल्कि इसके पत्ते गिर गए हैं, जड़ गए हैं ठंड की वजह से। ये सारे आपके ऊपर मेरे बैक साइड में जितने भी दरख्त नज़र आ रहे हैं गर्मियों में, क्या जो है ना क्या ज़बरदस्त सीन होता है जी। नाज़रीन तो अभी देखते हैं कि रूफान साहब जो है मेरे साथ जो है बैठता है, नहीं बैठता है रूफान। नाज़रीन आप देख सकते हैं रूफान अभी अपने पापा के पास गया है। ये भी वो मौसम का एंजॉय कर रहा है। अभी खाद निकाल के हमने यहाँ मवेशी खाने से खा भी जमा किया है। हम इसको जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो स्प्रिंग का सीज़न जब स्टार्ट होता है तो हम इसको खेत में जो है ना ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये हमारा बाग है। बहुत ही ऑटम के सीज़न में मौसम का एक अलग ही खूबसूरती होती है। तो हम यहाँ मायून आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कल एक ट्रिप है, हम वहाँ पहाड़ पे जाने वाले हैं। तो आपको शेयर करते हैं फिर।